नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं ईशान जावेद आपके साथ। जैसा कि आपको मालूम है, लॉकडाउन 5 के अनलॉक 2 में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को खोलने की बात कही जा रही है, या यूं कहें सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, लेकिन नए नियमों के साथ। आज बात इसी की। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खुलेंगे, इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। भगवान अल्लाह ईसु के पास जाना होगा सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार। अभी हम धार्मिक स्थलों पर जाते थे बगैर किसी नियम कानून के। संकट के समय में हमें केवल और केवल ऊपर वाला ही याद आता था। जी हाँ, आपने भी यही किया होगा। घर परिवार पर संकट आया, फौरन मदद मांगने पहुंच गए ऊपर वाले की शरण में। अपने धर्मों के अनुसार रोया, गिड़गिड़ाया होगा, अपने गुनाहों की माफी मांगी, लग गए मनाने में। ना कोई नियम, ना कोई कानून, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, कोरोना काल है। अब धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए भीड़ नहीं, सीधा सा अर्थ है परिवार सहित नहीं जा सकते। मैं आपको बताऊं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में जाने के लिए क्या नियम बना रही है सरकार। तो बात सबसे पहले मंदिर की जाए। मंदिर के अंदर मूर्ति छूने पर प्रतिबंध रहेगा, प्रसाद बांटना, जल चढ़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। भजन मंडली की एंट्री भी मंदिर परिसर में नहीं होगी। मंदिर के अंदर जाने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के पहले अपने को सैनिटाइज करना पड़ेगा। मंदिर के अंदर लगे घंटे को छूने पर पाबंदी रहेगी। मंदिर परिसर के अंदर सीमित संख्या में लोगों को आने की अनुमति दी जाएगी, बाकी लोगों को बाहर रुकना पड़ेगा। मुसलमानों को उनके सबसे बड़े त्योहार और पवित्र महीने रमजान में भी मस्जिद में प्रवेश नहीं मिला था। अब जब प्रवेश देने की तैयारी की जा रही है, तो नए नियमों के साथ। आपको बताऊं, मुसलमान नमाज पढ़ने के पहले वजू करता है, लेकिन अब उसे वजू घर से करके आना होगा। मस्जिद में कंधे से कंधा जोड़कर नमाज पढ़ने का नियम बदलना होगा। यहाँ पर उसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। गिरजाघरों की बात की जाए, तो दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए दुनिया भर के चर्चों में जाने के नियम भी बदल गए हैं। आपके अपने देश में भी अब चर्च में जाने के लिए अपने को सबसे पहले सैनिटाइज करना पड़ेगा। चर्च के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुर्सियों में बैठना पड़ेगा। 8 जून के बाद जब धार्मिक स्थल खुलेंगे, तब पहला रविवार 14 जून को पड़ेगा। इस दिन से चर्च के अंदर का माहौल बदल जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरल गाने वाली टीम के बीच निर्धारित फासला रहेगा, एक बेंच में एक व्यक्ति ही नजर आएगा। अब बात गुरुद्वारों की। गुरुद्वारों में अब फिलहाल अरदास की व्यवस्था नहीं होगी, सैनिटाइज होने के बाद ही अंदर प्रवेश मिलेगा। गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेकने के लिए भी निर्धारित दूरी का पालन करना पड़ेगा। गुरुद्वारे में लंगर नहीं होगा, उसे प्रसाद के तौर पर दिया जाएगा, केवल भोग बांटा जाएगा। तो तैयार हो जाइए नए नियमों के साथ ऊपर वाले को याद करने के लिए। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण की वजह से हमें इसका पालन करना ही है। आस्था के सैलाब में भक्त और भगवान के बीच में वैसे भी तीसरे का कोई काम नहीं। सुरक्षित तरीके से तमाम नियमों को मानते हुए भगवान को याद करिए। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान ईशान जावेद को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।